सोहना विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह का कार्यक्रम, एक शख्स जो है उसे जेजेपी प्रत्याशी के भाई जोगेंद्र खचाना की गुंडागर्दी। बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह का कार्यक्रम होना था सोहना से, जेजेपी प्रत्याशी हैं रोहताश खचाना, बीजेपी का प्रचार करने पर जान से मारने की धमकी यहां पे दी गई है। जेजेपी प्रत्याशी के भाई की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बीजेपी के कार्यक्रम में आयोजक के साथ मारपीट की गई है। तो जेजेपी के प्रत्याशी के भाई जोगेंद्र खचाना की गुंडागर्दी सामने आई है। बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह का कार्यक्रम होना था लेकिन यहां पर मारपीट की घटना सामने आई है। सोहना से जेजेपी प्रत्याशी हैं रोहताश खटाना और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। बीजेपी का अगर प्रचार किया तो जान से मार दिया जाएगा। सोहना में जेजेपी प्रत्याशी के भाई की गुंडागर्दी सामने आई है। बीजेपी के कार्यक्रम में आयोजक के साथ जो है मारपीट की गई है। जेजेपी के प्रत्याशी के भाई जोगिंदर खटाना की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बीजेपी के प्रत्याशी संजय सिंह का कार्यक्रम होना था लेकिन यहां आयोजक को डराया धमकाया गया है, जान से मारने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि जिस तरह से कार्यक्रम होना है उसे लेकर आयोजक के साथ यहां मारपीट की गई है और उसे धमकाया गया है। मामला ऐसा हुआ था जी, मैं कल अपने फार्म हाउस पे भाई संजय सिंह का प्रोग्राम करवा रहा था और वहाँ पे नुक्कड़ सभाएँ रखी हुई थी जी, हमने नाटक मंच रखा हुआ था। तो जेजेपी प्रत्याशी श्री रोहताश खटाना जी के कुछ लोग और उसके भाई मेरे पास आए, 9:15 के आसपास की बात है, और आके उन्होंने जी मेरे को धमकाना शुरू कर दिया कि भाई गाँव में तो यह प्रोग्राम नहीं कराएगा, तेरे को पहले भी हमने हिदायत दी थी कि गाँव में अगर प्रोग्राम होएगा तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने बात मैं कह लगा जी ये तो पार्टी का कार्यक्रम है, मैं पार्टी का एक छोटा सा कैंडिडेट कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी का तो मैं तो पार्टी के प्रचार और प्रसार के लिए काम कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों को क्या आपत्ति है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये गुर्जर समाज का फैसला है कि यह कोई कुछ भी कार्यक्रम नहीं कराएगा किसी का भी। मैंने उनको बड़े प्यार और अदब से बताया कि भाई गुर्जर समाज की बात नहीं है, ये तो आज पूरे देश की बात है। क्या हम दूसरे बिरादर से पिछले 25 साल से वोट लेते नहीं आए? हमारे कैंडिडेट पहले भी खड़े होते हुए आए हैं जी। उसके बाद क्या हुआ? इसी बात पे जी ये लोग भड़क गए जी, और भड़कने के बाद में जी विकास पुत्र रमेश और रमेश खुद और जोगिंदर इन लोगों ने मेरे पर हमला कर दिया जी। विकास ने मेरे गिरवान पकड़ के जी और मेरे को घूसा मारा। उसके बाद में जी फिर ये सारे लोग वहां से मेरे को धमकी दे के चले गए कि भाई सुन। तो हथियार भी लिए थे क्या कुछ ये लोग? हाँ, इन लोगों पर हथियार भी होंगे जी, हथियार भी होंगे। मेरे को धमकी तो इन्होंने ऐसी दी है जी, ठीक है शाम तक अंजाम देख लेना, तू क्या होगा तेरे साथ में। और हमारे सहयोगी मोहित कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये गुंडागर्दी क्यों देखने को मिली है, क्या वजह रही, क्योंकि कार्यक्रम तो होते रहते हैं चुनाव के वक्त, ऐसे में क्यों धमकाया गया आयोजक को? देखिए, ये जो मामला है ये सोना इलाके का मामला है जहां पर बीजेपी के कार्यक्रम एक शख्स ने कराया था और उसके बाद जेजेपी का कार्यक्रम भी उसी जगह पर होना था, उससे थोड़ी दूरी पर होना था, जिसमें जो जेजेपी के जो प्रत्याशी हैं जो खटाना जी हैं उनके ऊपर ये आरोप शख्स पीड़ित ने लगाया है कि उन्होंने उन पर प्रेशर बनाया कि आप कार्यक्रम क्यों करवा रहे हैं और आप हमारा सपोर्ट करें, हम आपके गाँव के हैं, और जिसके बाद उनके आपस में हाथापाई हुई है, जिसमें जो जेजेपी उम्मीदवार उनके भाई ने जिस शख्स ने प्रोग्राम बीजेपी का कराया था उनके साथ हाथापाई करी, जिसके बाद बोंडसी जो थाना है उसके अंदर मामला दर्ज कर लिया गया है और जान से मारने की धमकी देना और लड़ाई झगड़ा करने के धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें अब जो देखा जा रहा है कि जो गांव की जो पंचायत है शायद वो कल बुलाकर इस मामले को देखेगी कि किस तरह किसकी गलती है और पंचायत के अनुसार ही उस कैंडिडेट का बहिष्कार किया जाएगा जी। और रविंद्र खटाना इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे पूरा क्या कुछ वाक्य हुआ था उस वक्त, क्यों आकर ये बात कही गई थी कि बीजेपी का कार्यक्रम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे में तो बीजेपी हो या कोई और भी पार्टी वो भी अपने कार्यक्रम करेंगे, तो ऐसे में आयोजक को क्यों धमकाया गया, क्या वजह क्या रही? वजह ये रही कि मैं बीजेपी कैंडिडेट का स्वागत के लिए प्रोग्राम करवा रहा था, तो सोना जो हमारे जेजेपी प्रत्याशी है उसका भाई जोगिंदर खटाना
और विकास और रमेश और 7-8 अन्य लोग सुबह 9:15 बजे करीब मेरे फार्म हाउस पर आए जहां पर प्रोग्राम करवा रहा था मैं जी। और आके मेरे को बोले टेंट वेंट उखाड़ो यहां से। आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई यहां पे प्रोग्राम कराने की, जब हमने कल शाम को आपको बताया था कि सिर्फ रिठौज में जो प्रोग्राम होगा सिर्फ जेजेपी प्रत्याशी रोहतास कटाना का होगा। अच्छा, तो इसके पहले भी रविंद्र आपको धमकी मिली थी कि आप इस तरह के बीजेपी का कार्यक्रम आप आयोजित नहीं करवाएंगे? बिल्कुल जी, उससे पहले मेरे को 10 तारीख को जी, और उससे पहले मेरे को 4 तारीख को कि आप लगातार धमकियां आपको रविंद्र मिल रही थी, तो इसकी शिकायत आपने पहले नहीं की, आपने सीरियसली नहीं लिया? मैंने 100% पुलिस को बताया था जी, पुलिस ने सारी बातें अनसुनी कर दी। फिर मैंने 13 तारीख को FIR कराई जी, और उस पे भी अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे को अभी भी सारे गुंडे खुले हुए घूम रहे जी और खुले धमकी दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि गुजर बिरादरी में किसी भी बाहरी कैंडिडेट का, बाहरी बिरादरी का किसी का प्रोग्राम नहीं होगा। अब ये बताइए, ये कोई समाज की बात है क्या? नहीं रविंद्र, जब आपके पास आए तो बातचीत करने आए थे या अटैकिंग मोड पर ही आए थे? क्योंकि आप, हमने सुना भी आप बता रहे थे कि शायद उनके पास हथियार भी थे। बिल्कुल जी, ये तो अटैकिंग मोड पे आए थे जी, बात करने के लिए आते तो 13 दिन हो गए थे जी। अगर देखो बिरादर के नाम पर अगर इनको बात करनी होती तो 13 दिन हो गए थे जी, 13 दिन पहले भी मेरे पास कोई आ सकता था। मेरे को 4 तारीख को रोहतास का भाई धमकाने आया, और फिर मेरे को 10 तारीख को धमकाया, और फिर मेरे 13 तारीख को तो मेरे ऊपर अटैक ही कर दिया। तो इनके इरादे ठीक नहीं थे जी, ये तो मेरा मर्डर करना चाह रहे थे। तो रविंद्र, आपने फिर से पुलिस में कंप्लेन की है? मैंने पुलिस में बिल्कुल कंप्लेन करी है जी। अब तो वीडियो भी सामने में है, अब पुलिस क्या कह रही है? मैंने वीडियो भी और सारी CCTV की फुटेज वगैरह सब पुलिस को दी है जी। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का तो ये कहना है जी, ये हमारे हरियाणा का सबसे रईस कैंडिडेट है जी, 350 करोड़ का जी, सब इसकी खरीदी हुई है जी, सब खरीद, पुलिस वगैरह सब खरीदी हुई है इसने जी। और अब तो मेरे को तो मरना ही है जी, ये मेरा तो मर्डर पक्का करवाएगा जी। मैंने तो उप मुख्यमंत्री साहब को भी चिट्ठी लिखी थी कि मेरा मर्डर होगा साहब, क्योंकि मेरे को धमकी दी है कि 3 महीने के अंदर अंदर तेरे को खत्म कर देंगे। ये धमकी आपके सामने देकर गए हैं? मेरे सामने देकर गए हैं जी, बिल्कुल मेरे को, जिन्होंने सुना है इस बात को भी आपने पुलिस के सामने कहा है? लोगों में मौजूद जी, मेरे घर पे मुझे धमकी देकर गए हैं कि 3 महीने रुक जा, 3 महीने में इसका इलाज कर देंगे, 3 महीने में इलाज कर देंगे, खुलेआम ये कह रहे हैं। और वो आपसे समाज की दुहाई भी दे रहे हैं? बिल्कुल, वो समाज की दुहाई दे रहे हैं। और खुद जब आपसे कह रहे हैं कि समाज के नाते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो समाज के नाते वो क्या कर रहे हैं? उन्हें कॉन्फिडेंट है कि वही जीतेंगे? खुली गुंडागर्दी कर रहे हैं जी समाज के नाते, वो एक पर्टिकुलर समाज को बदनाम कर रहे हैं जी। हमारा गुजर समाज इतना सुंदर समाज है कि आज तक थाने में FIR लॉज नहीं होती मर्डर के केस की भी, पंचायत में सुनवाई हो रही है, सारी पंचायत इन्होंने खरीदी हुई है जी, साहब जितने नुमाइंदे सब खरीदे हुए हैं। बीजेपी का स्टैंड क्या है, क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं उन्हीं का कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे? देखो जी, मैं तो बीजेपी का कार्यक्रम एक समाज के नाते कर रहा था जी। हम पिछले 25 सालों से दूसरी कास्टों के कैंडिडेट उनसे वोट लेते आए हैं वोटरों से, और अब की बार अगर हमारी बिरादर को टिकट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम उनसे 25 साल से भी तो वोट ले रहे थे, अब की बार हम उनका भी स्वागत करेंगे। और स्वागत तो मैम हमारी परंपरा है, हमारी गुजरों की परंपरा है स्वागत तो किसी का भी करना, वोट तो वोट की होती है, वोट तो बाद की बात थी, मैं तो एक छोटा सा स्वागत ही तो कर रहा था जी। तो रविंद्र जी, शासन प्रशासन से आपकी कोई अपील? मेरी शासन प्रशासन से अपील है जी कि अगर मेरा मर्डर हो जाता है तो उसका जिम्मेदार रोहतास कटाना होगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं। डेफिनेट इनका इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं रहा, पहले भी इनका इतिहास ठीक नहीं है, तो मुझे तो पता है, मैंने तो शासन से गुहार लगाई है जी कि मेरा मर्डर तो 100% होगा। चलिए रविंद्र खटारा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।